अखिल भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज पानीपत के किसान भवन में शहीदों की याद में पंजाब से चले जत्थे का किसान भवन पहुंचने पर स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब से शहीदी यादगार जत्था भगत सिंह के गांव से शुरू हुआ है, जो कि 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेगा। शहीद आजम भगत सिंह के गाँव खटखट कला से चला ये जत्था आज पानीपत किसान भवन पहुंचा। पानीपत पहुंचने पर शहीद आजम भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसान मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी थी, इसी प्रकार आज किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भारत का सपना भगत सिंह ने देखा था, वैसे भारत का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया है और लोगों की जागरूकता के लिए नई क्रांति का ये पहला कदम है और यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को जत्था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेगा और किसानों और ट्रेड यूनियन के साथ अन्य लोग अपने शहीदों को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे। कहां से आ रहे हैं और इस यात्रा का मकसद क्या है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, बता दो। मेरा नाम गुरजीत कौर है, शहीद भगत सिंह की बहन की बेटी हूँ, बीबी प्रकाश कौर, और हम लोग होशियारपुर से आए हैं, पंजाब से, और जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तभी से यहाँ ही। तो मकसद तो यही है कि जो सरकार गलत काम कर रही है उसके लोगों को जागृत करना, और जो भगत सिंह ने जो रास्ता शहीदों ने बताया है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, उसी ये जो खेती कानून पास किए हैं सरकार ने जो लगाए हैं उसके लिए विरोध में जो किसान उठे हैं, जब मजदूर, जो छोटा बिजनेसमैन, जो सभी लोग उठे हैं, हम उस क्रांति को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो भगत सिंह और हमारे शहीदों ने, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जैसा देश उन्होंने सोचा था, जो उनके सपनों का देश था, उस में एक पहला कदम शायद ये उठ रहा है कि लोग जागृत हो रहे हैं और ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है, और इसी को बढ़ाने के लिए लोगों को जागृत करना हमारा फर्ज है और हम इसी के लिए चल रहे हैं। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर क्या कार्यक्रम रहेगा जी? जथेबंदियों का प्रोग्राम तो यही है कि उस दिन सभी लोग स्टेज पर पहुँचे और उनको श्रद्धांजलि दें, और बाकी आप लोगों का प्रोग्राम है सीपीएम का, ये पैदल यात्रा का है। यात्रा यहाँ से चलकर कब पहुँचेगी जी वहाँ पर, कहाँ कहाँ तक? ये 23 मार्च को पहुँचेगी जी सिंघू बॉर्डर पर, और 23 को दूसरे मार्च टिकरी बॉर्डर पर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।